हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रवि टीचिंग सेंटर में। दोस्तों आज 11 अक्टूबर 2022 ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इसमें पूछे गए जीके प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल। यदि आप पेपर देख के आ रहे हैं तो क्वेश्चन मिलाना, तब कमेंट बॉक्स में बताना 100% रियल है या नहीं। तभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन था, नवरोज का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नवरोज या नवरोज बता दें। देखिए वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, नवरोज का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है। नवरोज या नवरोज, फारसी नवरोज शाब्दिक रूप से नया दिन, फारसी में इसको नया दिन के रूप में माना जाता है, ठीक है। ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्राकृतिक प्रेमी का उत्सव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था आज के पहले शिफ्ट में कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिक को, कितने वैज्ञानिक को, 11 वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 नाम भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया। कितने लोगों को, 11 लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि घर घर राशन योजना किसने शुरू किया, घर घर राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया, ऐसा क्वेश्चन था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन, घर घर राशन जिसको बोलते हैं, योजना शुरू किया। किस राज्य ने, पश्चिम बंगाल ने, कब, 16 नवंबर 2021 को, ठीक है। अगला एक देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा, बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्वे प्रक्रम यह धावन सोडे के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। इसे अमोनिया सोडा सोडा प्रक्रम भी कहते हैं, प्रक्रम 1। इस प्रक्रम में ठंडा तथा सांद्र, आगे देखिए क्या लिखा है, ठंडा तथा सांद्र सोडियम क्लोराइड ब्राउन बिलियन जिसको बोलते हैं बिलियन अमोनिया के साथ संतृप्त होता है। दूसरा अमोनीकृत ब्राउन को छिद्रदार प्लेटों के साथ जुड़ी कार्बोनेटिंग स्तंभ के ऊपर से भरा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा, ईसाई धर्म जो है ईसाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म केरल का तीसरा सबसे व्यापक धर्म है। भारत सरकार की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 18% अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद केरल में ईसाई समुदाय संपूर्ण भारत के ईसाई समुदाय की तुलना में आनुपातिक रूप से बहुत बड़ा है। भारतीय ईसाई जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस राज्य में निवास करता है, कहाँ पे, केरल में, ईसाई धर्म, याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या किया गया, नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, ठीक है, इसको HSRV कर दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है, तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि देखिए पर्यावरण प्रेमी किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं बिश्नोई लोग ने पर्यावरण को बचाने के लिए कितने लोग जान दे दिया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया ग्रुप डी में पहले कि कितने महिला लोग जान दिया था, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या था, बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण प्रेमी कहलाते हैं, बिश्नोई समाज के सभी लोग पर्यावरण संरक्षण वॉलंटियर्स हैं, यह पेड़ पौधों वन एवं वन जीवों की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, दिया भी है, ठीक है। आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछा था कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ था। एक ऑप्शन लखनऊ भी था, तो लखनऊ आंसर हो जाएगा, ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ शहर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन था देवप्रयाग में कौन कौन सा नदी मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है, यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है, ठीक है। देवप्रयाग से कौन कौन सी नदी, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग को स्टूडेंट यहीं तक बताया है। यदि आप देखिए वीडियो का आपको
मतलब PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ हमारे हर वीडियो का, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है अभी, चाहे कोई पेपर का मतलब रिव्यू करवाते हैं, उसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फ्री में बिना कोई चार्ज के। चलिए, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।